देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश 80 सांसद चुनकर यहां से लोकसभा पहुंचते हैं। चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ यहां की सभी सीटों पर जो सियासी दल हैं वो अपने अपने समीकरण ठीक करने में जुट गए हैं। जुटे भी क्यों नहीं, वैसे भी कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है जिन सीटों की, उनमें रायबरेली लोकसभा सीट भी आती है। ये इकलौती सीट है जहां 2019 में कांग्रेस को जीत मिली थी, तब सोनिया गांधी यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। सोनिया अब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी हैं। अब पार्टी किसी नए चेहरे की ओर देख रही है, कौन यहां से उतरेगा ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस का ये जो गढ़ है कई मायनों में खास है और कांग्रेस के साथ साथ नेहरू गांधी परिवार के लिए ये सीट बेहद खास है। लंबे समय से नेहरू गांधी परिवार के सदस्य यहाँ से जीतते रहे हैं। आज हम इसी रायबरेली सीट की बात करेंगे हमारे खास कार्यक्रम सीट का समीकरण में। इसके चुनावी इतिहास की बात करेंगे यहाँ से जीते हुए उम्मीदवारों की, वो उम्मीदवार कितने थे जो गांधी नेहरू परिवार से थे और ऐसे कितने थे जो गांधी नेहरू परिवार के नहीं थे फिर भी उन्हें जीत मिली। कांग्रेस से इतर किन्हें जीत मिली ये भी देखेंगे। क्या कभी किसी गांधी नेहरू परिवार के सदस्य ने कांग्रेस से इतर किसी दूसरी पार्टी के सिंबल पर इस सीट से चुनाव लड़ा क्या, ये भी जानेंगे। आइए इन सब बातों की शुरुआत करते हैं और शुरुआत वहां से करते हैं जहां से हमारे देश के चुनावों का इतिहास शुरू होता है। शुरुआत 1951-52 के लोकसभा चुनाव से करते हैं। साल 1951-52 देश का पहला लोकसभा चुनाव रायबरेली नाम की सीट जो थी उस वक्त रायबरेली और प्रतापगढ़ जिलों को मिलाकर बनी थी रायबरेली प्रतापगढ़ सीट, और ये पहला चुनाव था यहाँ का। उस चुनाव में यहाँ से इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी कांग्रेस के टिकट पर लड़े, जीत दर्ज की। 57 में रायबरेली सीट का अस्तित्व आया, मतलब अस्तित्व में अब पर्टिकुलर जो रायबरेली सीट नाम की सीट थी वो 1957 के लोकसभा चुनाव में अस्तित्व में आती है और एक बार फिर से फिरोज गांधी यहां से सांसद बनते हैं। इंदिरा और फिरोज गांधी की अगर हम बात करें तो दोनों का विवाह 26 मार्च 1942 को हुआ था। करीब 10 साल बाद वो चुनाव लड़ते हैं। फिरोज गांधी एक पत्रकार से नेता बने थे, लेकिन जब वो सदन पहुंचते हैं तो अपने ही ससुर यानी तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं की सरकार की आलोचना के लिए बहुत जाने जाते हैं। कई मुखर आलोचनाओं में वो शामिल रहे। सरकार की जो सत्ताधारी पार्टी है उसका सांसद होते हुए भी वो कई ऐसे मुद्दे उठाते थे जिससे कि सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाता था। यहाँ तक कि एक बार एक मंत्री के इस्तीफे की वजह भी फिरोज गांधी बन गए थे। 1960 आते आते फिरोज गांधी यहाँ से सांसद रहते हैं, लेकिन 60 में उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका निधन होता है 1960 में। इसके बाद उपचुनाव होते हैं और 1962 में जब आम चुनाव होता है तब भी यहाँ पर इन दोनों चुनावों में, जो 60 का चुनाव हुआ और जो 1962 का आम चुनाव हुआ, दोनों में गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ता। 1962 में कांग्रेस की तरफ से उतारे जाते हैं बैजनाथ कुरील, वो जनसंघ के प्रत्याशी तारावती को हरा देते हैं। फिरोज गांधी के निधन के 4 साल बाद 1964 में इंदिरा गांधी राज्यसभा पहुंचती हैं। इंदिरा 1967 तक राज्यसभा की सांसद रहती हैं। 1966 में जब इंदिरा देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती हैं तब भी वो राज्यसभा की सांसद थी, यानी राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए वो देश की सबसे बड़ी कुर्सी, देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचती हैं। वो एक पूरा किस्सा अलग है, पर हम चुनावों पर लौटते हैं। 1967 का चुनाव आता है, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा चुनावों में जाती हैं और खुद लोकसभा चुनाव लड़ती हैं, जबकि उनका राज्यसभा का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि 64 में वो बनी थी, 67 में ही वो राज्यसभा के कार्यकाल होते हुए भी लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं और सीट चुनती हैं अपने पति की ही सीट रायबरेली। यहाँ से चुनावी राजनीति में इंदिरा पहुँचती है, चुनाव लड़ना शुरू होता है, पहला लोकसभा चुनाव उनका होता है। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा इस सीट से उतरती हैं और जीत दर्ज करती हैं। निर्दलीय प्रत्याशी बीसी सेठ को 91,703 वोटों से वो हरा देती हैं। इसके बाद आता है साल 1971। ये साल याद कर लीजिएगा क्योंकि इसी साल ने बहुत कुछ बदला भारतीय राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में, और इतिहास के सबसे काले अध्याय का
एक कारण बना था ये 1971 का रायबरेली का चुनाव, जब इस सीट पर इंदिरा के खिलाफ मैदान में उतरे थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण। राजनारायण और इंदिरा के बीच जो मुकाबला होता है उसमें इंदिरा गांधी को 1,11,810 वोटों से विजयी घोषित किया जाता है, लेकिन ये विजय विवादों में आती है। कारण, इंदिरा को जो 1,83,309 वोट मिलते हैं, राजनारायण को महज 71,499 वोट मिलते हैं, लेकिन राजनारायण इंदिरा के खिलाफ कोर्ट पहुंच जाते हैं इंदिरा पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का और चुनाव में हेरा फेरी का आरोप लगाते हुए। मामला कोर्ट में चलता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। जब मामले को चुनौती दी जाती है तो राजनारायण की जो याचिका होती है उस पर फैसला आता है। फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो देता है वो इंदिरा के खिलाफ होता है। प्रधानमंत्री होते हुए इंदिरा का चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाता है। इंदिरा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देती है सर्वोच्च न्यायालय में। ये पहली बार भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में होता है जब किसी प्रधानमंत्री को कोर्ट में पेश होना पड़ता है, जब इंदिरा को फैसला सुनने के लिए इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में जाना पड़ता है। इस फैसले को चुनौती देने के बाद इंदिरा आपातकाल की घोषणा करती हैं या आपातकाल लागू किया जाता है, और वो दौर हम देखते हैं जब लोकतंत्र की एक तरह से हत्या होती है। 2 साल तक सब कुछ बंद, सब कुछ बाधित, यही आपातकाल का कारण माना जाता है कि 71 में जो चुनाव हुआ उसके जो नतीजे आए उन नतीजों ने बहुत कुछ बदला, और उसी की वजह से ये आपातकाल आया। 71 के बाद अगले चुनाव 1977 में होते हैं। आपातकाल का दौर खत्म होता है, इंदिरा रायबरेली से फिर से चुनाव में उतरती हैं, लेकिन जनता लहर में इंदिरा हार जाती हैं, और हराता कौन है, वही राजनारायण जो 1971 में उनसे हारने के बाद कोर्ट गए थे। 55,202 वोटों से राजनारायण से इंदिरा ये चुनाव हारती हैं। इसके बाद इंदिरा अपना रुख कर्नाटक की ओर करती हैं। कर्नाटक की चिकमंगलूर सीट होती है, वहाँ से उपचुनाव लड़ती हैं, जीतकर संसद पहुँचती हैं। संसद पहुँचने के बाद एक लंबी, एक नई तरह की लड़ाई शुरू होती है। इंदिरा को एक सहानुभूति मिलनी शुरू होती है उस लड़ाई में, जब उन्हें संसद से जेल भेज दिया जाता है। महज 3 साल चली सरकार गिर जाती है और 1980 में मध्याविधि चुनाव होते हैं देश के। इस बार इंदिरा कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर रायबरेली सीट से फिर से उतरती हैं। आप देखते हैं कि सिर्फ 1962 में जो लोकसभा चुनाव हुए और 1960 का उपचुनाव छोड़ दें तो अब तक इस सीट पर फिरोज गांधी और बाद में उनकी पत्नी इंदिरा गांधी लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रतिनिधित्व जरूर 77 में इंदिरा नहीं जीतती हैं, राजनारायण वहां से जीतते हैं। प्रतिनिधित्व की बात करें तो एक ये तीसरा चुनाव, तीसरा वो ऐसा नेता जो कि फिरोज और इंदिरा से इतर इस सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद 80 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में नहीं आई हुई होती। जनता पार्टी की तरफ से राजमाता विजयराजे सिंधिया उम्मीदवार होती हैं। एक बार फिर इस सीट पर इंदिरा वापसी करती हैं, जीत दर्ज करती हैं। विजयराजे सिंधिया को 1,73,654 मतों की शिकस्त मिलती है। दिलचस्प यह है कि इस चुनाव में इंदिरा रायबरेली के साथ आंध्र प्रदेश की मेंढक सीट से भी चुनाव में उतरती हैं और जीत दर्ज करती हैं। मेंढक सीट हालांकि अब तेलंगाना का हिस्सा है। चुनाव के बाद हर कोई, अगर आम तौर पर देखा जाए तो शायद रायबरेली सीट चुनने की बात होती, लेकिन चुनाव के बाद इंदिरा रायबरेली सीट छोड़ देती हैं। इंदिरा मेंढक सीट चुनती हैं, मेंढक की सांसद रह जाती हैं और वो खुद इस्तीफा दे देती हैं। इस्तीफे के बाद रायबरेली की सीट पर उपचुनाव होता है। इस उपचुनाव में अरुण नेहरू, जो कि खुद गांधी नेहरू परिवार से संबंध रखते हैं, उसी परिवार से आते हैं, वो जीत कर कांग्रेस के टिकट पर संसद पहुंचते हैं और रायबरेली का प्रतिनिधित्व एक बार फिर नेहरू गांधी परिवार के ही एक सदस्य के पास रहता है। साल 1984 आता है, इंदिरा की हत्या होती है। उसके बाद जो चुनाव होते हैं उसमें सहानुभूति लहर पर सवार कांग्रेस एक बार फिर बहुत बड़ी जीत दर्ज करती है। अरुण नेहरू भी एक बार फिर से रायबरेली सीट पर जीतते हैं। सविता अम्बेडकर को 2,57,553 वोटों से वो हरा देते हैं।
1989 आते आते अरुण नेहरू और राजीव गांधी के बीच तकरार बढ़ती है। अरुण नेहरू के रास्ते कुछ अलग होने लगते हैं, वो अलग रास्ते पर चलते हैं और कांग्रेस 1989 में एक नए उम्मीदवार को चुनती है, शीला कौल, जो कि यहाँ से चुनाव लड़ती हैं। शीला जनता दल की प्रत्याशी रविंद्र प्रताप सिंह को 83,779 वोटों से हरा देती हैं। 1991 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर शीला कौल को जीत मिलती है। इस बार वो जनता दल के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह को महज 3,917 वोटों से हरा पाती हैं। बेहद कड़ी टक्कर होती है। 89 और 91 में जो शीला कौल जीती थी, अगर आप उनके बारे में देखेंगे तो एक और दिलचस्प चीज़ दिखाई देगी। हमने देखा फिरोज गांधी को, फिर इंदिरा गांधी को, फिर गांधी नेहरू परिवार से संबंध रखने वाले अरुण नेहरू को, जो यहाँ से सांसद बने। अब शीला कौल जो आई वो भी नेहरू गांधी परिवार से संबंधित थी। दरअसल शीला कौल कमला नेहरू के भाई की पत्नी थी। कमला नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू की जो पत्नी थी, उनके भाई की पत्नी शीला कौल थी, यानी इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल 1989 और 1991 में यहाँ से जीतती हैं। बात 1996 की करें, ये वो चुनाव था जिस दौर में नेहरू गांधी के जो परिवार के बड़े चेहरे थे वो बहुत एक्टिव नहीं थे, लेकिन 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से जो रायबरेली सीट पर जो उम्मीदवार थे वो नेहरू गांधी परिवार के ही, एक तरह से देखें तो उसी परिवार से आने वाली शीला कौल के बेटे विक्रम कौल थे, उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। लेकिन यह पहला चुनाव था जब कांग्रेस रायबरेली की सीट पर, जीतना तो दूर छोड़िए, इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रम कौल, जो कि शीला कौल यानी कि इंदिरा गांधी की मामी के बेटे थे, एक तरह से इंदिरा गांधी के ममेरे भाई थे, वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाते हैं। विक्रम कौल की जमानत जब्त हो जाती है। विक्रम कौल को महज 25,457 वोट मिलते हैं और जो कि कुल पड़े वोट का 5.29% होता है, यानी कि आप एक जो 16.66% वोट होते हैं जमानत बचाने के लिए, उससे बहुत कम। 1996 के लोकसभा चुनाव में एक और बेहद दिलचस्प बात हुई थी। इस रायबरेली सीट पर भाजपा और जनता दल के बीच कड़ी टक्कर हुई थी और इन दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवार थे उनका नाम आपको मैं बताऊंगा तो शायद आप कहेंगे कि ऐसा कैसे, दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार का नाम था अशोक सिंह। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अशोक सिंह एक बीजेपी की तरफ से थे, एक अशोक सिंह जनता दल की तरफ से। अशोक सिंह पुत्र देवेंद्रनाथ सिंह भाजपा के उम्मीदवार थे और अशोक सिंह पुत्र राम इकबाल सिंह जनता दल के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। दोनों के बीच ही मुख्य मुकाबला होता है, पहले और दूसरे नंबर पर दोनों रहते हैं। भाजपा वाले अशोक सिंह जीत दर्ज करने में सफल होते हैं और 33,887 वोटों से यहां जीत दर्ज करते हैं और ये पहला चुनाव होता है जब बीजेपी को रायबरेली सीट पर जीत मिलती है। 1998 के आम चुनावों में बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से प्रत्याशी अशोक सिंह बनाए जाते हैं और एक बार फिर वो जीत दर्ज करते हैं। अशोक सिंह इस बार समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र बहादुर सिंह को 40,722 वोटों से हराते हैं। एक और बात बता दूं आपको कि गांधी नेहरू परिवार से जो हम बात कर रहे थे, लगातार यहाँ से कोई ना कोई चुनाव लड़ता रहा, तो 96 में जो शीला कौल के बेटे चुनाव लड़े थे तो 98 में शीला कौल की बेटी दीपा कौल यहाँ से कांग्रेस की उम्मीदवार थी। 1996 में दीपा के भाई की जमानत जब्त हुई तो 1998 में दीपा भी अपनी जमानत नहीं बचा पाई, वो अपने भाई की तरह यहाँ पर चौथे नंबर पर रही। 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस रायबरेली सीट पर वापसी करती है। इस बार पार्टी के प्रत्याशी सतीश शर्मा जीतते हैं, 73,549 वोटों से उन्हें जीत मिलती है। हर बार की तरह इस बार भी यहां से गांधी नेहरू परिवार का एक सदस्य उतरा था। ये और बात है कि वो कांग्रेस के टिकट पर नहीं था, वो थे अरुण नेहरू। आपने सही सुना, अरुण नेहरू, वही अरुण नेहरू जो 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर यहां से जीते थे, जो 1980 के उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर यहां से जीते थे, लेकिन राजीव गांधी से मतभेद होने के बाद वो कांग्रेस से दूर चले गए थे। साल 2004 ये वो साल था जब राहुल गांधी ने चुनावी राजनीति में एंट्री ली। इससे एक चुनाव पहले उनकी माँ सोनिया कांग्रेस की कमान अपने हाथों में ले चुकी थी, अमेठी से वो सांसद बन चुकी थी। राहुल आते हैं,
अमेठी सीट पर राहुल को उम्मीदवार बनाया जाता है और सोनिया खुद रायबरेली सीट पर चुनाव लड़ने आ जाती हैं। 2004 का लोकसभा चुनाव और सोनिया यहां से जीत दर्ज करती हैं, सपा के उम्मीदवार को वो हराती हैं। सपा के अशोक कुमार सिंह बुरी तरह से सोनिया से हारते हैं, 2,49,765 वोटों का वो अंतर होता है जिससे उन्हें हार मिलती है। 2009 में एक बार फिर सोनिया इस सीट पर अपनी कामयाबी को बरकरार रखती हैं। इस बार वो बसपा के टिकट पर उतरे आरएस कुशवाहा को 3,72,165 वोटों से हरा देती हैं। ये अंतर और बढ़ जाता है। 2014 और 2019 अगर इन चुनावों की बात करें तो कांग्रेस के लिए ये एकमात्र सीट है जहां से वो बरकरार रही 14 और 19 दोनों चुनाव में। 14 में अमेठी जरूर जीती थी और साथ में रायबरेली थी, लेकिन 19 में एकमात्र सीट जो कांग्रेस ने यहां से जीती वो रायबरेली थी। 2014 में सोनिया यहां से एक बार फिर जीत दर्ज करती हैं। इस बार वो भाजपा के अजय अग्रवाल को 3,52,713 वोटों से हराती हैं, जबकि अगर पिछले चुनाव की बात करें 2019 के चुनाव में तो सोनिया को एक बार फिर जीत मिलती है, हालांकि जीत का अंतर इस बार थोड़ा कम हो जाता है। सोनिया कुल 5,33,687 वोट पाती हैं, जबकि उनके खिलाफ उतरे दिनेश प्रताप सिंह जो कि भाजपा के उम्मीदवार थे उन्हें 3,65,839 वोट मिलते हैं। इस तरह सोनिया ये चुनाव 1,67,848 वोटों से जीतने में सफल रहती हैं। अब सोनिया राज्यसभा की सांसद हो चुकी हैं, 2024 के लोकसभा चुनावों की तारीखें घोषित हो चुकी हैं, लेकिन इस सीट की अगर हम बात करेंगे तो नेहरू गांधी परिवार के जिक्र के बिना ये सीट का कोई भी किस्सा पूरा नहीं होगा। अगर आप पूरे इस समीकरण को, सीट के समीकरण को देखते हैं या इस पूरे एपिसोड को जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि शायद ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि पहले चुनाव से लेकर 2019 तक का जो चुनाव हुआ उसमें किसी एक परिवार विशेष की या परिवार से जुड़े लोगों की इतनी पकड़ रही हो या इतने चुनाव एक ही सीट से जीते हों। इस बार कांग्रेस के लिए चुनौती बहुत मुश्किल है। बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने लिए एक तरह से ये प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है, इस सीट को कांग्रेस के लिए जीतना। ऐसे में यहाँ से कौन बाजी मारेगा इसका पता 4 जून को लगेगा, लेकिन इस सीट के समीकरण से आप एक पूरे नेहरू गांधी परिवार को जोड़कर जरूर देख सकते हैं जब आप इस किस्से को देखते हैं। ये आज का हमारा सीट का समीकरण था जिसमें हमने बात की रायबरेली लोकसभा सीट की। अगले किस्से में, अगले सीट के समीकरण में एक और किसी ऐसी सीट की जहाँ इसका इतिहास, जहाँ की सियासत बहुत लंबे समय से हमारे आपके बीच चर्चा का विषय रही हो उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।